नमस्कार दर्शक मित्रों, स्वागत आप सबों का देव शक्ति हीलिंग अब यूट्यूब चैनल पर। दर्शक मित्रों, हमने प्रथम पार्ट में आपको बताया कि एकादशी का पर्व महत्वपूर्ण क्यों है। तो एकादशी हिंदू माइथोलॉजी सनातन धर्म के परंपरा के अनुसार एकादशी समर्पित है श्री नारायण और महालक्ष्मी को। तो अतः इस दिन यदि हम व्रत उपवास रखते हैं और भगवान नाम जप करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो वैज्ञानिक तौर पर जो आध्यात्मिक ऊर्जा का जो संचरण है वह चलने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगा। पहला बात तो ये। दूसरा बात, यदि हम भगवान नाम जप करेंगे तो वो आपके अंदर एक नवीन ऊर्जाओं का प्रभाव छोड़ेगा, एक नवीन ऊर्जा का सृजन होगा। दर्शक मित्रों, कई सारे लोगों का यह कहना है कि हम उस दिन कुछ खाना नहीं खाएं और छोड़ दें, तो उसका भी कोई लाभ नहीं है। आप मान लेते हैं कि आप अगर उपवास रख लें, उस दिन कोई भोजन ग्रहण ना करें, आप अपने शरीर को पूर्ण रूप से हल्का और सात्विक छोड़ दें और अपने मन मस्तिष्क में अगर भिन्न भिन्न प्रकार के नकारात्मक विचार को अगर आप लाते रहे, तो फिर आपका उस एकादशी के पर्व का, उस एकादशी के समय का आप उपयोग नहीं कर सकते, उसका आप उपयोग नहीं कर पाएंगे, अतः वो व्यर्थ चला जाएगा। तो एकादशी का उपवास रखने का मतलब यह है कि एकादशी के दिन यदि आप उपवास रखे हैं या पर्व यदि मना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने अंदर उन नवीन ऊर्जा के सृजन में आप सहायक साबित हों। जो ऊर्जाओं का क्षेत्र, ऊर्जाओं का जो क्रियाक्रम जो चलेगा वो तो ऑटोमेटिक चलेगा ही चलेगा, लेकिन उसके साथ साथ यदि आप अपनी आध्यात्मिक साधना करते हैं, यदि आप अपने ऊर्जाओं को ऊर्ध्वगामी करने के लिए, आप अपने आध्यात्मिक ऊर्जाओं को ऊपर उठाने के लिए अगर योग ध्यान आदि की क्रियाएं करते हैं, यदि आप भगवान नाम जप करते हैं, ईश्वर आदि का आप उपासना करते हैं, प्रभु का नाम का सुमिरन करते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि इसका कितना लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। दर्शक मित्रों, 23 अगस्त 2022 अर्थात आज यानी कि 22 अगस्त को ही एकादशी तिथि इन कर चुकी है, किंतु जो एकादशी का व्रत जो इस बार मनाया जाना है, जया एकादशी जिसको कि अजा एकादशी भी कहते हैं, या 23 अगस्त यानी कि दिन मंगलवार को यह एकादशी का पर्व मान्यता है, उसी दिन मनाया जाना है। उदया तिथि के अनुसार ये 23 अगस्त को मनाया जाएगा और कुछ ऐसे योग भी उस दिन बन रहे हैं, शायद दो योग ज्योतिषी के आधार पर बन रहे हैं। एक तो पंच महापुरुष का योग है और दूसरा एक और भी महत्वपूर्ण योग बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कल दिन मंगलवार है, शक्ति का दिन है, हनुमान जी का दिन है, भगवती का दिन है, शक्तियां का दिन है, अतः उस दिन हम अपनी आध्यात्मिक साधना करें, उपवास रखने के साथ साथ योग आदि की क्रियाएं करें, अंतरंग योग के अभ्यास आदि क्रिया करें और अपनी ऊर्जाओं को ऊपर उठाने में, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, अपनी आध्यात्मिकता को बढ़ावा देने के लिए उस दिन हम लोग उस दिन का उपयोग करें। तो ये 23 अगस्त यानी कि कल यह पर्व मनाया जाएगा। जो लोग उपवास नहीं रख सकते तो कोशिश कीजिए कि आप एकाहारी बने उस दिन, आप एक टाइम ही भोजन करें, दिन रात मिला करके एक टाइम ही करें। कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा ना खाएं, कम से कम खाएं, और अगर ना खाएं तो वो भी उत्तम है। जो आपके चेतना का विकास होगा, आपको आपके अंदर वो ऊर्जाएं का क्षेत्र बढ़ेंगे, आपके चक्र चार्ज होंगे, आपके बॉडी चार्ज होंगे, आपका सेल्स जो है, सेल नहीं यानी कि आपकी कोशिका लेवल पर नहीं, अभी तो आपके डीएनए लेवल पर आप हील हो सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, जनरली हम लोग अपनी कोशिका को चार्ज करते हैं, जनरली हम अपने कोशिका को एक्टिव करते हैं, जनरली हम अपने सेल के एक्टिवेशन के लिए प्रयासरत रहते हैं, लेकिन यदि आप अपने डीएनए लेवल पर काम करेंगे तो आपके अंदर जो भी प्रतिक्रिया होगी, उसका जो भी रिजल्टेंट होगा, वो आपको इंस्टेंट देखने को मिलेगा। अतः 23 अगस्त को जया एकादशी, अजा एकादशी का पर्व मनाया जाएगा, दिन मंगलवार, उस दिन का उपयोग करें और श्री हरि और महालक्ष्मी का सुमिरन करें, कम से कम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें, भगवती लक्ष्मी के लिए श्री लक्ष्मी सूक्त का पाठ अवश्य करें। इसी जानकारी के साथ हम विदा लेना चाहेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गदगदाते रहिए। ओम नमो नारायण, नमस्चंडिकाय ओम।